जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय सुभद्रा जय बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ पटना इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा जो शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ जो है वो नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान की पहली रथ यात्रा जो है श्री क्षेत्र पुरी से हुई थी और वहाँ से ये पूरी यात्रा जो है वो शुरू हुई है और उसके बाद भगवान जो है वो भक्तों के भी दर्शन के लिए जाते हैं। हर बार होता ऐसा है कि साल के तमाम दिनों में ये होता है, तमाम दिनों में ऐसे होता है कि जो भक्त होते हैं वो दर्शन के लिए भगवान के मंदिर आते हैं, लेकिन साल में एक बार ऐसा मौका आता है रथ यात्रा के दिन जब भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। पूरी क्षेत्र से इस परंपरा की शुरुआत हुई और दुनिया भर में इस्कॉन और भगवान जगन्नाथ के मानने वाले लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। हज़ारों की भीड़ जो है इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। 24 साल से पटना इस्कॉन हर जो है इसी तरीके से भगवान की इस पवित्र रथ यात्रा को जो है आयोजित करता रहा है। ज़बरदस्त भीड़ है। जब जो भक्त होते हैं वो भगवान के रथ की पवित्र रस्सी को जो है कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और इसे खींचते हैं। कई पुराणों में वर्णन है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने से तमाम जो पाप कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान कृपा करते हैं, इस तरह से मानते हैं। और देखिए इस तरीके से दोनों तरफ जो है जो भक्त हैं वो रथ की रस्सी को पकड़ करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये रथ यात्रा जो है वो खास इसलिए भी है क्योंकि भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान कहा गया है। और देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है रथ अपने आगे जो बढ़ रहा है और इस तरीके से भगवान की पवित्र यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। एक जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है भक्तों का, हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं इस रथ यात्रा में और भगवान जगन्नाथ अपनी प्यारी और बड़ी बड़ी आँखों से भक्तों को दिख रहे हैं। भाव ये भी है कि भगवान जगन्नाथ की आँखों में पलके नहीं है क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी उसको झपकाना नहीं चाहते हैं ताकि वो अपने भक्तों को देख पाएँ, उन पर कृपा बरसा पाएँ। पूरी क्षेत्र से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। सदियों पुराना ये मंदिर है वहाँ पर और वहाँ पर भगवान पहंडी विजय करते हुए मंदिर के बाहर आते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के बीमार होने की कथा है, उसके बाद 15 दिनों तक भगवान जो है भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं और उसके बाद नवजौवन दर्शन और उसके बाद भगवान रथ यात्रा के माध्यम से इस तरीके से जो है वो बाहर निकलते हैं भक्तों के बीच में। और देखिए इस तरीके से भगवान का रथ है, देखिए धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर एक अलग सा उत्साह है, एक अलग सा जोश है, एक आनंद है भक्तों के बीच में भगवान के रथ को लेकर के। और यही रथ है जो भगवान जो भक्त हैं तो भगवान के रथ को जो है खींचते हुए धीरे धीरे करके पटना में करीब करीब 6 किलोमीटर की पूरी यात्रा के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से भगवान भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा जो आगे बढ़ रही है और किस तरीके से भक्त भगवान के रथ को खींच करके भक्ति के आनंद में भक्ति के रस में जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का ये पवित्र रथ देखिए नगर भ्रमण करता हुआ नजर आ रहा है और जो भक्तों का जनसैलाब है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त हैं इस पूरी यात्रा में भगवान की पवित्र रथ को खींच रहे हैं। कहा गया है कई पुराणों में कि भगवान के रथ के खींचने वाले को इस जन्म से मुक्ति मिल जाती है, भगवान के पवित्र पुण्य को प्राप्त करने की। किस तरीके से भगवान का पवित्र रथ जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है, भगवान जगन्नाथ का पवित्र रथ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहा है और भगवान अपनी कृपा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें देखिए किस तरीके से हैं और वो नजर आ रही हैं। इस तरीके से भगवान जो है कृपा बरसा रहे हैं अपने भक्तों के ऊपर में। आनंद का क्षण है ये इस वक्त पटना के लोगों के लिए। और देखिए जन सैलाब आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे, हजारों हजार की भीड़ और ये भीड़ जो है भगवान के रथ को खींचते हुए नजर आ रही है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन बल जो है सुभद्रा रानी और अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ जो है इस पवित्र यात्रा में जो है नगर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल इस्कॉन इसी तरीके की यात्रा आयोजित करता है जो इस यात्रा में जो है जो गुजर रही है। बड़ी बात यह है कि भगवान भक्तों के बीच में उनको दर्शन देने के लिए जो है वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, कृपा बरसाते हैं, बड़े कृपालु हैं भगवान और इस तरीके से कृपा बरसाते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ गुरु कुमार, पटना।